सो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है कुमी कंपनी का एंगल ग्राइंडर जिसका मॉडल नंबर है CP AG4। इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे देखिए मैं चालू कर रहा हूँ उसको और ये थोड़ा स्लो चल रहा है और बहुत जोर से स्पार्क आ रहा है, प्लस स्मेल भी आ रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, आर्मेचर ख़राब है। तो आर्मेचर कैसे ख़राब है, एक थोड़ा यूनिक टाइप का आर्मेचर ख़राब है। ये बहुत मशीन में भी आता है लेकिन इसको पकड़ने में दिक्कत होता है। तो ये वीडियो में आपको क्लियर करूँगा ये जो आर्मेचर कहाँ पे प्रॉब्लम होता है और ये क्यों प्रॉब्लम होता है वो भी बताऊँगा। और अगर आपका मशीन कोई है, कोई भी मशीन ले लो है आपके जिसमें आर्मेचर यूज़ किया गया है, तो इसमें अगर ये प्रॉब्लम ना हो, आर्मेचर ख़राब ना हो, तो क्या आपको करना है, क्या कौन सा ट्रिक यूज़ करना है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बैक कवर खोल के कार्बन खोल रहा हूँ और कार्बन यहाँ पर बिल्कुल है, मतलब दोस्तों इसको ये ख़राब होने के बाद ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप यूज़ करोगे ज़्यादा तो ये कार्बन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है ख़राब होने के बाद। तो चलिए कार्बन खोलने के बाद मैं आपको मर्डर हाउसिंग खोल के, मैं जो आगे वाला हेड का स्क्रू खोल के आपको दिखा रहा हूँ उसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपका मशीन रिपेयर करूँ तो ज़रूर मुझे पार्सल कीजिए। आपका मशीन परफेक्ट तरीके से रिपेयर होकर चला जाएगा यहाँ से और यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका मशीन का। तो चलिए यहाँ पे हेड में जो 4 स्क्रू रहते हैं उसको खोल लेते हैं, फिर इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम था मैं आपको बता रहा हूँ तो वह इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखिए तो इसके अंदर जो कॉयल है उसका कॉयल एयर डिफ्लेटर रिंग खोल लेंगे या फिर फैन गाइड खोल लेंगे। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको खोल के फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डस्ट वगैरह घुसा है लेकिन कॉयल बिल्कुल सही सलामत है। ओके, यहाँ पे मैं उसको बाद में क्लीन कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए आर्मेचर पूरा उसका कम्यूटेटर के थोड़ा ऊपर चेक कीजिए, ये देखिए कम्यूटेटर तो यहाँ पे थोड़ा एक शॉर्ट हुआ है जिसमें ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुआ है, एक ही पॉइंट शॉर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से देखिए ये पूरा जल गया है। ओके, तो यहाँ पर आप नज़र कीजिए कम्यूटेटर के साइड में, ये पूरा इधर से लगभग ये 10 से 12 पॉइंट ये शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शॉर्ट क्यों होता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें स्टील या फिर कोई आप पकड़ लो लोहा वगैरह या फिर जो GI रहता है उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, तो इसके वजह से उसके अंदर जो डस्ट रहता है इसके अंदर घुस जाता है और आर्मेचर के कम्यूटेटर में जो घाटी रहता है उसको पूरा चारों तरफ के अंदर जो घाटी में सेट हो जाता है। तो उसके बाद से ये पूरा शॉर्ट सर्किट करता है उसके अंदर से जितने भी इसमें सेट होता है या फिर कार्बन भी इसके अंदर अगर लोकल कार्बन यूज करोगी तो भी ये दिक्कत होता है कि उसका जो कम्यूटेटर में जो घाटी रहता है इसके अंदर ये घुस जाता है डस्ट, जिसके वजह से पावर सप्लाई पूरा शॉर्ट होता है और इसके वजह से ये पूरा जल जाता है। ये ज़रूर चेक कीजिए। और ये जो प्रॉब्लम है आपके मशीन में अगर है तो आप ये काम कीजिए, लगभग 10 से 15 दिन अगर थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मशीन को ज़रूर खोल सकते हो। तो इसको खोल के थोड़ा ब्रश में क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आर्मेचर को खोलने के लिए हमको पिनियन उसके हेड से आगे वाला जो पोजीशन रहता है उसको खोल के आपको उसका नॉट खोलने के बाद ये निकल जाएगा, नहीं तो आप पीटोगी AG4 है तो पीटोगी नहीं निकलने वाला है। तो आप इसको पिनियन में जो नॉट रहता है उसको आपको 10 नंबर पाना से आपको निकाल के ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल दिया। ओके, तो अभी दोस्तों ये जो डस्ट है ये बहुत जाम करता है, ये जरूर ध्यान दीजिए। ये जो पूरा अगर जाम हो जाएगा तो आपका मशीन हीट भी हो सकता है, इसके वजह से भी जल सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। जो एयर फिल्टर के लिए जो होल रहता है वो अगर जाम हो जाएगा फिर इसमें एयर फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से हीट हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसमें ऑलरेडी आर्मेचर जल चुका है, तो मैं ये कुमी कंपनी का ओरिजिनल AG4 का आर्मेचर यूज़ कर, तो ये बहुत महंगा है, 900 के आसपास रहता है इसका आर्मेचर, कुमी कंपनी का जो दमदार मशीन है। तो हम इसमें आर्मेचर चेंज करेंगे और आगे का प्रोसेसिंग जो रहता है वो आप आगे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आर्मेचर है ये कुमी कंपनी का है और यहाँ पे आप उसका मॉडल नंबर देख सकते हो। यहाँ पे ये मॉडल नंबर आप देख सकते हो CP AG4 1200 वाट का ये मशीन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, कुमी कंपनी का ये ब्रांड है CP AG4 1200 वाट, तो ये कुमी का है। तो क्वालिटी ये जो मशीन है बहुत दमदार मशीन है, इसमें कोई जैसे कि मशीन हीट होता है कभी कभी, ये जैसे कि आप यहाँ पे आर्मेचर जल गया है और यहाँ पे कम्यूटेटर शॉर्ट होने के कारण ये यहाँ से पूरा इधर से आप देख सकते हो, मैं फोकस कर रहा हूँ इधर से पूरा इधर तक ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, ये कम्यूटेटर पूरा शॉर्ट हो चुका है।
तो इसके वजह से हमको ये आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा, और इसीलिए मेरे पास है आर्मेचर उसी ब्रांड का, ओरिजिनल ब्रांड का, कुमी कंपनी का। तो यहाँ पे ये बेरिंग को मैं खोल लेता हूँ, फिर इसमें ये बेरिंग सही है तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं कूलर के माध्यम से इसको खोलना, यहाँ पे कूलर के माध्यम से मैं इसको खोल लूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिंग कूलर अगर आपको चाहिए या फिर कोई भी स्वेपर चाहिए, मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी मशीन रिपेयरिंग करना है तो मेरे एड्रेस पे आप मशीन भेज सकते हो, मैं आपको रिपेयर करके दे पाऊँगा। तो यहाँ से मैं उसको खोल लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका मशीन में आर्मेचर ख़राब है, आर्मेचर आपने चेक चेंज कर लिया लेकिन फिर भी एक थोड़ा अलग थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी अगर स्लो घूम रहा है तो आप आर्मेचर चेंज कर लोगे तो ये स्पीड हो जाएगा लेकिन स्पार्क आएगा वन साइड या फिर डबल साइड स्पार्क आएगा। तो इसमें दोस्तों दिक्कत ये होता है कि इधर आपने कार्बन जहाँ पर डाले हो तो वो कार्बन होल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आपका कॉइल का प्रॉब्लम हो सकता है। कॉइल चेंज कर लीजिए, साथ में कॉइल चेंज कर लीजिए आर्मेचर के साथ, फिर ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आर्मेचर में जो नीचे वाला बेरिंग था उसको खोल लिया, बिल्कुल सही सलामत है ये बेरिंग, तो हम रीयूज करेंगे इसमें क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए मशीन का। अगर सही है तो बिल्कुल हम यूज़ करेंगे, अगर थोड़ा बहुत ख़राब है तो जब चेंज कर लेंगे। और बेरिंग पीटने का तरीका आप मेरे चैनल में ही देख पाओगे तो कैसे पीटा जाता है बेरिंग। और इस ये जो ट्रिक है, अगर आप मशीन में काम करो तो ये ट्रिक यूज़ कीजिए, आपका बेरिंग अगर ख़राब हो जाएगा नीचे कमेंट करके बताइए, मैं चैनल छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आर्मेचर लगाऊँगा, आर्मेचर के अंदर जो बेरिंग था ऊपर वाला बेरिंग ये भी बिल्कुल सही चला, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम पिनियन ऐसे लगाएंगे, आप थोड़ा आर्मेचर को घुसा लीजिए, पिनियन आपके ऑटोमेटिक अंदर है तो साथ में आप पिनियन और उसका जो नॉट रहता है उसको साथ में घुसाओगे, घुसा के थोड़ा ऊपर से पीट लीजिए, ये फिक्स हो जाएगा, फिर आप पाना से यूज़ करके आप टाइट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए मैं पाना यूज़ कर रहा हूँ, और पाना यूज़ करके ये पूरा आसान सा तरीका है, आप यूज़ कर सकते हो, करके टाइट कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए इधर उधर होता है, क्योंकि अंदर में आप पकड़ने में दिक्कत करता है, तो इसलिए आप कोई भी स्क्रूड्राइवर या फिर छोटा आप टेस्टर यूज़ करके आप उसको फिक्स कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये फिक्स होने वाला है, थोड़ा ऊपर से पीट लीजिए ताकि उसका जो आर्मेचर का जो स्टॉर रहता है वो आपका नॉट में आ जाए, तो फिर आप उसको पकड़ के आसानी से टाइट कर सकते हो। चलिए मैं उसको स्पीड करके आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर फिक्स हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, एयर डिफ्लेक्टर रिंग या फिर फैन गाइड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फैन गाइड आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मशीन में फैन गाइड थोड़ा, इसका जो होल है आर्मेचर से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा रहता है, और ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसमें हीट का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़रूर चेंज कीजिए। और यहाँ पर देखिए ये रेडी हो चुका है, अभी हम चाटो स्क्रू टाइट कर लेंगे फिर ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा, कोई भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पैसा नहीं पड़ता है, फ्री में होता है सब्सक्राइब। और नीचे जो रेड कलर का आई बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा फ्री में। ये सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है, मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप पहले आप मेरे वीडियो देख के कमेंट कर सकते हो। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, अच्छा कोई नॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या आपको नॉलेज मिला। ओके, चाहिए अभी देखिए हम उसका चाटो स्क्रू टाइट कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, कार्बन लगाएंगे। कार्बन इसमें है तो हम दोबारा नया कार्बन नहीं लगाएंगे क्योंकि पुराना कार्बन लगभग 70% है, तो हम इसमें उसको यूज़ करेंगे। अगर आपका मशीन में नया आर्मेचर यूज करो 30-40% आपका कार्बन है तो ज़रूर चेंज कर लीजिए, ये फिर बाद में ताकि आप यू लगा के दोगे 15 दिन में ये फिर रिटर्न ना आए, तो इसलिए आप ज़रूर चेंज कर लीजिए। लेकिन इसे 70% से प्लस ज़्यादा कार्बन है तो हम रीयूज़ करेंगे कार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं कार्बन को लगाने के बाद उसका पिन इंपॉर्टेंट है, पिन लगा लीजिए। तो ये पिन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा मशीन, ये बात नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको, है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। तो यहाँ से थोड़ा मशीन को चला लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें मशीन बिल्कुल सही समय चला है, पहले जो स्लो घूम रहा था, स्पार्क आ रहा था, स्मेल आ रहा था, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अगर आपका मशीन में ये सॉल्व नहीं हुआ है तो जरूर उसका कॉइल चेक कीजिए या फिर कार्बन जहाँ पे लगता है वो चेक कीजिए। आर्मेचर तो यहाँ पे जल गया है, अगर आपका मशीन में आर्मेचर जला है फिर भी ये दिक्कत होता है तो साथ में कॉइल को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए बैक स्क्रू टाइट कर लेंगे क्योंकि ये इसको नीचे वाला मोटर जो है वो फिक्स हो चुका है, अभी हमारा मोटर से कोई काम नहीं है। तो बैक स्क्रू टाइट करके हम गियर लगाएंगे। गियर लगाने से पहले आपको ग्रीस अगर ख़राब हो चुका है ग्रीस चेंज कर लीजिए, ग्रीस नहीं है तो वो भी चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत कर सकता है बाद में। तो यहाँ पे ग्रीस मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ग्रीस लगाने के बाद चार्टो स्क्रू जो हेड में है प्रॉपर टाइट होना चाहिए चार्टो स्क्रू, नहीं तो आपका मशीन में गियर का प्रॉब्लम आ सकता है कोई भी। अगर दो ठो स्क्रू टाइट है, दो ठो स्क्रू ढीला है, ऐसा मत कीजिए। ओवर साइज स्क्रू देकर आपको उसको टाइट करना पड़ेगा या फिर नहीं तो उसका जो गियर हाउसिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप ढीला करके दोगे तो बाद में ये जो आपका गियर वो ख़राब हो सकता है। अभी देखिए टाइट हो चुका है, मशीन को चलाएंगे, देखेंगे प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए सीरीज तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल मशीन परफेक्टली चल रहा है, तो हीट भी नहीं हो रहा है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।